नहीं देखिए, लालू जी से आप लोग तो जानते हैं कि मैं पहले भी लालू जी के साथ था और लालू जी के रिजिम में मैं 3 बार MLA बना, मंत्री भी रहा समझे, और मैं आज 1 साल से लगभग कोशिश कर रहा था कि उनकी सेहत के बारे में जानकारी लें, उनका सेहत कैसा है। ये मेरा फर्ज था कि मैं उनसे जाके मिलूं, उनकी तबीयत खराब है तो, और मैं आज मुझे मौका मिला मिलने का, मैं मिला। सेहत तो उनकी ठीक नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है समझे, और मुझे देख करके बहुत अजीब सा लगा कि मैं इतने दिनों के बाद मिल रहा हूँ, और पहले आना चाहिए तो मुझे मौका ही नहीं मिला था आने का। और जहाँ तक है, लालू जी का हमेशा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है और हम उनके साथ रहे थे। सेहत अच्छी नहीं है अभी इनकी, सेहत स्वास्थ्य देखने से बहुत कमजोर लग रहे हैं। स्वास्थ्य जो पहले उनका जो बोल्डनेस रहता था समझे, निसंदेह सेहत उनकी अच्छी नहीं है समझे, और सेहत पर हम पूछे भी सर सेहत पर ध्यान दीजिए आप, छोड़िए सब पॉलिटिकल बात तो होती रहेगी बाद में, लेकिन अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। सारी बात होगी। बिहार में चुनाव को लेकर क्या बातें हुई जो आने वाले चुनाव है बिहार में? बिहार में चुनाव लेकर तो चुनाव पूरी तरह से दो धारे में पूरा बिहार बटा हुआ है, और एक धारा निश्चित तौर पर NDA के पास है तो एक धारा लालू जी के पास है समझे, और इसी पर पूरा खेल हो रहा है। आज सर दिल्ली में भी को लेकर भी कुछ चर्चा की है क्या? फंसा हुआ है? नहीं, दिल्ली को लेकर मेरा कोई चर्चा नहीं है। राजद वहाँ भी चुनाव लड़ रही है? नहीं, वहाँ मेरे बारे में उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई दिल्ली के बारे में। हमसे सिर्फ उन्होंने पूछा कि भाई कैसे हो जावेद, क्या हाल है, नहीं हमने सब बताया उनको, और मैं बोला सर आपका सेहत के बारे में पूछने आए थे, आपकी कैसी तबीयत ये जानने आए थे, और निसंदेह हमारा ये पुराना घर रहा है और हम हमेशा से सहानुभूति हमारे साथ हमारा इनके साथ रही है, उनका भी हमारे ऊपर आशीर्वाद हमेशा रहा है समझे, चाहे लालू जी हो चाहे राबड़ी जी हो, चाहे लालू जी या राबड़ी जी का आशीर्वाद हमेशा, हम जदयू में भी हैं तो भी उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे पास रहता है और हम उनसे मिलने आए और वो उनका हमेशा समय मेरे साथ रहता है। हम लोग भी आप जदयू में ना सर? हाँ जदयू में, अभी मैं JDU का MLC हूँ, अभी मैं JDU का MLC हूँ। क्या सर उम्मीद किया जाए आप जदयू में? JDU में होने के बाद आप लोगों के पास तो आएंगी ना कोई ऐसी बात होगी तो निश्चित तौर पर। अभी मैं लालू जी के सेहत के बारे में पूछने आया था, और जैसे बिहार को अब जो है एक नए नेतृत्व की जरूरत है, एक युवा नेतृत्व की जरूरत है, और युवा नेतृत्व बिहार में आगे बढ़ेगा इसमें नो संदेह, कोई माने नहीं रख सकता है। क्या खराबी है सर? मैं खराबी कहाँ किसी के बारे में बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी भी अच्छे लीडर थे, अभी क्या है नहीं है वो तो आप लोग खुद जान रहे हैं, हम तो बेटर जान रहे हैं। मीडिया ज्यादा कौन जानता है, हम लोग जान रहे हैं। मैं लालू जी का पैदा किया हुआ राजनीति में, मैं लालू जी का पैदा किया हुआ आदमी हूँ, लालू जी ने मुझे जन्म दिया है राजनीति में, और मैं लालू जी का सेहत पूछने हाल चाल पूछने आया था, मुझे आज मौका मिला आने का समझे, मैं आपने आज व्यक्तिगत तौर पर उनसे पूछने के लिए आया। लेकर कोई स्टैंड बताया लालू जी ने कि क्या करना है? न उन सब पे कोई बात, मैंने कहा ना मैं स्वास्थ्य के बारे में पूछने आया था, वो सारा स्टैंड बाद में। ठीक है, धन्यवाद।